आज की वीडियो लेकर आए राधे राधे स्टैंड अप कॉमेडी बाय राहुल रोबिन। तो भाई स्टैंड अप कॉमेडी पे आजकल हमने सोचा है कि कुछ न्यू किया जाए, तो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। वीडियो को एंड तक देख के मजा जरूर लीजिएगा। देखते हैं आज वीडियो। रेज बोथ योर हैंड, अपने दोनों हाथ उठाइए एंड से हालेलुया, तो बोलो राधे राधे। तुम लोगों ने घर वापसी देखी है? मैंने किया है 301 लोगों का। एक घंटे बाद फादर भी राधे राधे बोल। मैं जस्ट बेसिक सवाल, मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही है सबको? दूसरा सवाल, तुम लोग मुझे अच्छे से देख पा रहे हो ना? कहीं कहीं मैं परफॉर्म करता हूं तो लोग बोलते हैं अरे साला अंधेरा से आवाज आ रहा था। आई नो आई एम द मोस्ट चॉकलेटी गाय इन द रूम। इतना चॉकलेटी हूं, बाहर खड़ा था, दो लड़कियां मुझे देख के बोल रही थी वो देखो डार्क फैंटेसी खड़ा है। मैं सुबह उठता हूं, मेरे पापा खुद बोलते हैं ओ डार्क नाइट राइजेस। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे देख के बोलती थी बेबी तुम्हारे ऊपर आती तो मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लैक एक्टिवा चला रही हूं। एंड देन शी आस्क्ड मी टू से समथिंग रोमांटिक, आई एम लाइक ब्रूम ब्रूम। मैं अपने बारे में बता देता हूं, मेरा नाम राहुल रॉबिन है ना, मैं हाइब्रिड टाइप ऑफ प्रोडक्ट। नहीं नहीं वो हाइब्रिड नहीं, आई एम अ मलयाली हु इज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार। देखा ओ माय गॉड, सुना मैम का? थैंक यू मैम फॉर जजिंग माय कैरेक्टर। नहीं आप सही सोच रहे हो, इसका मतलब ये भी है मैं हरामी और हॉर्नी दोनों ही हूं। मेरी गलती नहीं है, ऑफ कोर्स मेरे मॉम डैड की गलती है। मेरे मॉम डैड प्यार किया एक दूसरे से, केरला गॉड जोन कंट्री। शादी की केरला गॉड जोन कंट्री। मुझे पैदा करने चले गए बिहार, गवर्नमेंट डिसओन्ड कंट्री। और वहां जाके एक्सपेक्ट करते उनके घर में कोई साउथ इंडियन सुपरस्टार पैदा हो रहा है लाइक मोहनलाल मम्मूट्टी रजनीकांत। फिर मेरा चेहरा देखा घर वालों ने, बोला अरे साला घर में तो रिक्शा वाला पैदा हो गया। रिक्शा वाला पैदा हो गया काज। बहुत प्रॉब्लम थी, हाइब्रिड होना आसान नहीं था। तुम लोग की लाइफ में प्रॉब्लम है? नहीं है तो पाल लो, क्योंकि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती ना वो देश में हल्ला मचाते रहते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, मेरे पापा कहते हैं। 2 महीना पहले मैं भी बहुत खुश था, मेरे पापा बोले इतना खुश मत रहकर, आज से होम लोन का ईएमआई तू भरेगा। मेरी तनख्वाह 10,000 है, ईएमआई 50,000 आ रहा है। इसके बाद मैं स्विगी का एजेंट बन के घूम रहा हूँ डिलीवरी। अगर तुम्हें लगता है तुमने मुझे कहीं देखा है, मैं ही आया था तुम्हारे घर। नहीं पापा, मेरे पापा सही कहते हैं प्रॉब्लम होनी चाहिए लाइफ में, तभी स्टेबल रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं 3 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम लोग, मैं बैंगलोर से आता हूँ, आप लोग मुंबई में रहते हैं, बड़े शहर है ये सब। बड़े शहर में लाइक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या फेस करते हो आप डे टू डे लाइफ में? ट्रैफिक। कहीं भी जाओ तो सबसे पहले गूगल मैप निकालते हो ना, अरे साला इतना लाल है, साला जाएं कि नहीं जाएं? जहां पे ट्रैफिक नहीं आप मुद्दे देखो क्या ना, जैसे छोटे शहरों में वहां पे आए दिन राइड केसेस होते हैं, क्योंकि लोग 8 किलोमीटर 8 मिनट पे पहुंच रहे तो बहुत टाइम है उनके पास, तो मिलके मार रहे एक दूसरे को। मुंबई के ट्रैफिक ने यूनिटी दी है यहाँ के लोगों की। मैं अभी आ रहा था मैंने देखा ट्रैफिक सिग्नल पे एक हिंदू मुस्लिम साथ मिलके कैब ड्राइवर को गाली दे रहे थे, अभी चूतिया गाड़ी हटा। इतनी यूनिटी थी, चू हिंदू ने बोला तो तीए मुस्लिम ने बोला। मैं बैंगलोर से आता हूँ, बैंगलोर में भी बहुत ट्रैफिक है। बैंगलोर की ट्रैफिक लेकिन बहुत कुछ किया बैंगलोर के लिए, हमने कभी रेस्पेक्ट नहीं किया। बैंगलोर के ट्रैफिक के चलते टेररिस्ट अटैक बैंगलोर पे नहीं हो पाया, क्योंकि टेररिस्ट ट्रैफिक में फंस गया था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डेक्कन क्रॉनिकल में आर्टिकल आया था, तुम लोग गूगल कर लेना। मैं उस टेररिस्ट के बारे में सोचता था, इतनी दूर आके उस बंदे ने क्या किया होगा। वो जिस दिन पहुंचा वो कितना एक्साइटेड होगा। वो पहुंच गया, जनाब मैं बैंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूँ जनाब, बारात तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, शहनाई की गूंज 1 घंटे बाद हमारे मुल्क तक जरूर सुनाई देगी। रख देता है। 1 घंटे बाद उधर से फोन आ रहा, अबे चूतिया शहनाई की गूंज क्या हुआ? जनाब बारात अभी भी रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ी है,
और दूल्हे को ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले गए। क्यों, शहनाई मिल गई? अरे नहीं जनाब, दूल्हे ने हेलमेट नहीं पहना था। मेरे पापा बोले साउथ इंडियन टच बना रहना चाहिए, मुझे चेन्नई भेज दिया। वहां जाके मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ, नॉट तमिल लैंग्वेज, तमिल इज अ ब्यूटिफुल लैंग्वेज, मुझे आती है क्योंकि मैंने दो बार सिंघम भी देखी तमिल में। वहां के लोगों की बॉडी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आई। लाइक मेरा पहला दिन था कॉलेज का, केमिस्ट्री लैब में था, तो मैं डर डर के H2SO4 से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। हाँ, डर डर के इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम आई सॉ समवन यूजिंग H2SO4 इन बिहार वॉज इन मूवी कॉल गंगा जल। आंख दिखाता है मादर जात, फेंक दिया ये इसका। सो मैं डर डर के कर रहा था, यू नो। तो बीकर के उस तरफ से खूबसूरत लैब इंचार्ज मुझे देख के बोलती है, डे कौन मैं? इसके बाद उसने ऐसा कुछ किया, मेरे होश ही उड़ गए। उसने जीव रोल कर डे ऐसे करती है। I was like, जो भी बेबी लंच के बाद करे क्या? आगे गया जेंस प्रोफेसर के पास कॉपी चेक कराने, वो टिक कर बोलता डे। यहाँ के मर्द क्या बुरखा पहन के घूम रहे, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? बाद में पता चला जैसे हिंदी में ये होता है ना क्वेश्चन मार्क, कहाँ जा रहे हो, तमिल में ये होता है क्वेश्चन मार्क, किधर जा रहे हो। एंड ये मतलब टर्न द पेज डा। इतनी प्रॉब्लम थी मेरे कॉलेज। फिर मैं कुछ कॉलेज के बच्चों को देखता हूँ हमेशा रोड पे ही घूमते रहते हैं, उन्हें देख के मेरे मन में एक ही सवाल उठता है, इन्हें असाइनमेंट्स नहीं मिलते हैं क्या? जैसे JNU वाले, AMU वाले, उन्हें चाहिए आजादी। हर बात के लिए रोड पे ही घूम रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं उन्हें कितनी आजादी मिल चुकी है। मैं विदाउट परमिशन बाथरूम चला गया था ना एक बार, इंटरनल के 30 नंबर कट गए थे मेरे। JNU का एक बंदा विदाउट परमिशन जेल होके आ गया, लोकसभा का टिकट लड़ गया भाई उसके पास। लाइक सिंक पे ताली बजाओ भाई, अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा पीछे बैठ के खैनी दबा रहा है। थर्ड एग्जांपल में देता हूं, जॉब कौन कौन करता है, मेक सम नॉइस। सब हाथ भी उठा रहे, वाह। अच्छी बात है, जॉब करते हैं, एटलीस्ट मान लाइफ में प्रॉब्लम है, यानी कि समथिंग टू बिच अबाउट योर मैनेजर एंड एचआर। लाइक मेरा मैनेजर चूतिया यार, प्रमोशन ही दे रहा है, एचआर के साथ ही घूमते रहता है। हमारे पास प्रॉब्लम है, इसलिए तुम लोग वीकेंड का इंतजार करते हो, वीकेंड आ गया फाड़ के पार्टी करेंगे। कश्मीर में देखो जॉब ही नहीं है, वहां के युवा के पास वीकेंड प्लान ही नहीं है। तो वहां के युवा क्या करते, कुछ नहीं किया तो चलो पत्थरबाजी ही कर लेते हैं। उनका वीकेंड प्लान ही, एक बार एक्सेल शीट तो दे उनके हाथ में, मैं देख रहा हूं पत्थर कौन उठा रहा है। जॉब मिलना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरा जो पहला जॉब था ना, एज अ ट्रांसलेटर था, मैं अपने एरिया में ऐसा बंदा था तो इंग्लिश हिंदी ठीक ठाक बोल सकता था। तो एरिया के बगल में एक चर्च था, उसे फादर आए थे फ्रांस से, तो चर्च वाले मेरे घर आ गए, बोले बेटा वो फादर आए हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते हैं, तुम हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे क्या? हंसले अंकल मैं हिंदू ये सब नहीं करता। वो बोले बेटा 1 घंटे का 8000 रुपए ले लो। हंसले अंकल यही तो धर्म है। मैं स्टेज पे चढ़ गया, फादर कॉन्फिडेंट, आई वॉज डबल कॉन्फिडेंट। 300 लोग आए थे, फादर शुरू हुए, द गॉड कैन सी अस, आई एम लाइक परमेश्वर हमें देख रहा है। ये सुन के फादर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो जोर से चिल्लाने लगे, द गॉड कैन सी अस, आई एम लाइक परमेश्वर हमें दोबारा से देख रहा है। रेज बोथ योर हैंड, अपने दोनों हाथ उठाइए एंड से हालेलुया, तो बोलो राधे राधे। तुम लोगों ने घर वापसी देखी है? मैंने किया है। 301 लोगों का, 1 घंटे बाद फादर भी राधे राधे बोल रहे हो। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने के भाई जो है ना राहुल, उन्होंने ये बोला कि क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जानते थे, तो फादर के चर्च में जो होते हैं ना फादर, उन्होंने उनको इंग्लिश आती थी, तो उन्होंने बोला कि जो है ना लोगों को आपने ट्रांसलेट करके बताना है हिंदी में, मैं इंग्लिश बोलता जाऊँगा। तो उन्होंने भाई ट्रांसलेट करके 301 जो लोग आए थे उनको हिंदू ही बना दिया, और फादर समेत ये वो बोलना चाह रहे थे कि मैंने उन लोगों को हिंदू बना दिया। वो हालांकि
के वो लोगों को अपना कुछ बताने आए थे, लेकिन उनकी घर वापसी करवा दी। और स्टैंड अप कॉमेडी भाई एक बहुत ज़्यादा लोग जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते अपने घरों में, तो फिर इस तरह से जाके ना, जैसे स्टेज शो हम जिसको हम बोलते हैं ना, पिछले दौर में स्टेज शो बोला, हाँ वो देखना चाहते हैं वहाँ पर जाके फन फनी जो ड्रामे वगैरह किए जाते हैं। इस तरह से आजकल ये स्टैंड अप कॉमेडी होती है, बोल के बताते हैं और उनका अंदाज ही ऐसा होता है कि लोगों को ना वो देख के तो बहुत ही ज्यादा से, उनका तरीका ही ऐसा होता है कि वो बताते ही, हालांकि आम बात को ऐसे करके बता देते हैं कि बंदे को ना हंसी आ जाती है। और वो जो जैसे है ना, क्या नाम लेते हैं, कपिल शर्मा शो, वो भी तो इसी तरह से करते हैं, जोक सुनाते हैं, चुप रहते हैं दूसरे को हंसाते हैं। हाँ, क्योंकि खुद हंसने लग जाए तो दूसरों को इतना मजा नहीं आता, जब चुप खुद रहते हैं ना तो दूसरे हंसते हैं तो और ज्यादा मजा आता है। तो इसी तरह से भाई बहुत ज्यादा इंडिया में टैलेंट बढ़ा पर है, लोग बहुत ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और देखने भी जाते हैं। क्या आप कभी देखने गए हैं? मैंने तो वैसे अपनी लाइफ में, यहाँ पे पता नहीं मुझे कोई करता भी है या नहीं, मैंने नहीं कभी देखी, लेकिन आपने कभी देखी है तो जरूर बताइएगा और आपको कैसी लगती है वो भी बताना। फिर आपको मिलता है एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, चलते हैं।